जो खुद भ्रष्टाचार एवं स्वार्थ में काली कमाई के प्रलोभन में सिर से पैर तक डूबे हुए हैं, जो आज तक हिंदू समुदाय के अनेक जैसे काली माता नगर और अन्य क्षेत्र में रहने वाले गरीबों को लूट रहे हैं, वे अचानक मुस्लिम समाज के हितों को लेकर अगर जागरूक होते हैं तो इसके पीछे का कारण क्या है, ये भी पूछने की जरूरत पहल फाउंडेशन द्वारा बताई जा रही है। कारण ये भी है कि पहल फाउंडेशन ने जूनी बस्ती बडनेरा में हो रहे रेशन की कालाबाजारी एवं जनता का हो रहा शोषण के विरोध में केवल आवाज ही नहीं उठाई, बल्कि पिछले 10 माह से लगातार कानूनी लड़ाई लड़ते हुए सबूतों के आधार पर यह सिद्ध किया है कि अनिल वनवे एक भ्रष्टाचारी है और उसी के द्वारा 5 अलग अलग नामों से रेशन की दुकानें चलाई जा रही है। एक तो लोगों को राशन कम देना, उसका बिल नहीं देना, उनसे दुर्व्यवहार करना और अनेक रेशन कार्ड बंद करके अपने घर पे लेके जाना, शासन के किसी भी नियमों का पालन न करते हुए दुकानें चलाना और इसकी गवाही त्रस्त जनता द्वारा आपूर्ति अधिकारियों को दिए गए बयान में दर्ज बताई है। इतना ही नहीं, जिन गटों के नाम पर ये दुकानें चल रही है वे सारे गट भी अवैध बताए जा रहे हैं। पहल फाउंडेशन ने पुख्ता सबूतों के आधार पर आपूर्ति विभाग और आयुक्त आपूर्ति विभाग के पास में अपनी तकरार दर्ज कराई है। अब जब आपूर्ति विभाग यदि कार्यवाही नहीं करता है तो पहल फाउंडेशन न्यायालय जाकर जनता को उनका अधिकार दिलाएगी और इसमें आपूर्ति विभाग स्वयं दोषी है। यूं तो अनिल वनवे पर कोई कार्यवाही ना करे इसलिए सुचिता वनवे ने राजकीय प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग कर आपूर्ति कार्यालय पर कार्यवाही ना करने के लिए दबाव ला रही है। यदि सुचिता वनवे खुद को एक जनप्रतिनिधि कहलाती है तो ये उनका काम है कि निष्पक्ष होकर जनता के लिए लड़े और गरीब जनता पर हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाए। और केवल यदि वैभव खैरकार या आपूर्ति विभाग ही नहीं, इस कालाबाजारी और भ्रष्टाचार में शामिल हर व्यक्ति पर कार्यवाही की मांग करे, फिर वो भ्रष्टाचारी क्यों न उनके पति ही हो, ऐसा भी पहल फाउंडेशन में विदर्भ न्यूज को दिए गए साक्षात्कार में खुले आम बताया। पहल फाउंडेशन की संस्थापक अध्यक्षा डॉक्टर अल्विना फिरोज हक द्वारा विदर्भ न्यूज को एक खास साक्षात्कार दिया गया, जिसमें उन्होंने कई आरोप अनिल वनवे एवं सुचिता वनवे के ऊपर लगाए हैं। तो देखिए, ये अकेले दुकानदार के अकेले से नहीं होता, जाहिर सी बात है कि इस पे ऑफिस का पुरवठा विभाग का हम खुलेआम ये चीज बोलते हैं कि क्योंकि हम राजकारण नहीं कर रहे, हम जो कर रहे हैं मैं इसको समाजकारण बोलती हूँ कि समाज के लिए हम बेलौस बिना किसी इसके हित में उनके लिए लड़ रहे हैं। तो मेरा ये बोलना है कि मुझे कोई झिझक नहीं है ये बोलने में कि अगर ऑफिस की पुरवठा विभाग की उसके अधिकारियों से नीचे से लेके ऊपर तक के और अनिल वनवे की अगर साठगांठ ना होती तो ये चीज़ मुमकिन नहीं होती थी। अब एक नया इसमें मोड़ आया है कुछ दिन पहले कि सुचिता वनवे जो हैं, जो इनकी पत्नी है अनिल कुमार वनवे की, इन्होंने एक निवेदन दिया कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र के साथ राशन वाला पुरवठा विभाग अन्याय कर रहा है। तो मेरा ये बोलना है इस पर कि पुरवठा विभाग अन्याय कर रहा है वो ठीक है, लेकिन जब हम पुरवठा विभाग के पास जब ये हमने शुरुआत की थी तो अनिल टाकसाड़े जी का ये कहना था, पुरवठा अधिकारी का, कि जूनी बस्ती में तो कभी कोई प्रॉब्लम थी नहीं, 40 साल से ये चीज़ चल रही, कभी कोई ये इशू को लेकर आया नहीं, तो क्या यहाँ के चाहे वो सुचिता वनवे हो या और बाकी के जो जनप्रतिनिधि है, क्या उन्हें आज तक ये समस्या दिखाई नहीं दी, क्या उन्हें ये पता नहीं चला कि असंख्य लोग हैं। अभी पिछले एक महीना पहले हमने तकरीबन 250 लोगों के रेशन कार्ड हमने पूरा प्रोसेस करके उसको शुरू करवाया। तो क्या ये असंख्य समस्या ना यहाँ के किसी जनप्रतिनिधि को, ना खुद सुचिता वनवे को कभी ये चीज़ दिखाई दी, तो आज अचानक से ये जाग क्यों? और अब जब पहल फाउंडेशन ने, क्योंकि पहल फाउंडेशन का काम करने का एक तरीका है, आपके चैनल के माध्यम से बताऊं कि हम बिना सबूतों के और बिना तथ्यों के हम कोई बात नहीं करते, तो हमारे पास हर प्रूफ है जिसके प्रूफ के आधार पे, प्रूफ के साथ हमने शिकायत दर्ज की। और अब जब प्रशासन को, जब विभाग को पता है, पुरवठा विभाग को पता है कि अब कहीं ना कहीं पुरवठा विभाग भी गिरफ्त में है और अनिल वनवे के जितने गठ है वो बोगस है, ये हम सिद्ध कर चुके हैं, उन्हीं से निकाले हुए सारे कागजी कार्रवाई उन्हीं पर हमने ये किया है, सिद्ध किया है, तो आज जब वो प्रेशर आ रहा है कहीं ना कहीं पुरवठा विभाग कार्रवाई करने पर मजबूर हो गया है, जो हमने फॉलोअप लिया उसके बाद जब वो मजबूर है, तो अब उसको एक नया टर्न देते हुए सुचिता जी वनवे अचानक से पिक्चर में आती हैं और वो ये करती हैं कि पुरवठा विभाग पर वो ब्लेम दोष को ट्रांसफर कर रही हैं। तो मेरा ये बोलना है कि इंग्लिश में कहावत है, देखिए, कि चैरिटी बिगिन सेट होम। अगर आपको सच में आप एक जनप्रतिनिधि की भूमिका निभा रहे हैं तो सबसे पहले
आपने अपने घर से शुरुआत करनी चाहिए। जो बदल आना चाहिए वो आपके घर में आना चाहिए। सबसे पहले आपने अपने घर के जो 3 बोगस दुकानें जो आप चला रही हैं बोगस गटों के नाम पर, उसको सरेंडर करना चाहिए। भ्रष्टाचार में जो भी सम्मिलित हो, जो भी सम्मिलित हो, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो कोई आम दुकानदार हो, हर किसी के खिलाफ आप खड़ी रहें।